वेलकम रोड फिक्सर्स और आज हमारे पास आई है रेंज रोवर की फिलेंडर। उसमें जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी आ चुकी है ऑलमोस्ट, तो उसका पूरा जो एसी का सिस्टम है पूरा इंस्टॉल होना है, नया आना है, पूरा का पूरा रिप्लेस होना है, चाहे वो कंप्रेसर हो, कूलिंग कॉइल हो या फिर कंडेंसर हो। अब हम चलते हैं मेन पार्ट में, उसका डैशबोर्ड और वो अंदर से पूरा खुला हुआ है, बाहर से अंदर से अब उसके पार्ट्स आ गए हैं, तो मैं आपको आगे का स्टेप दिखाता हूँ उसके, और अब चलते हैं सीधा फिलेंडर रेंज रोवर पे। दोनों चेंज हुए और जितना इसकी वजह से पूरी गाड़ी खुली है आगे से भी और अंदर से भी। सो गाइस, ये इसका पुराना वाला कंप्रेसर है और जो नया वाला कंप्रेसर है वो हमने इंस्टॉल कर दिया है, वो विजिबल नहीं होगा यहाँ पे आपको, वो अंदर की तरफ है। क्योंकि ये इसका पुराना वाला कंडेंसर है जैसा आपको दिख रहा है, और ये हमने नया वाला इंस्टॉल किया है, ब्रांड न्यू एकदम। और गाइज, ये नया और पुराना दोनों कूलिंग कॉइल आपके सामने है, कूलिंग कॉइल अभी इंस्टॉल नहीं हुई है हमारे इसमें। ये कूलिंग कॉइल है और इवेपोरेटर कॉइल है जैसा आप देख सकते हो, इसमें जो वो है ना पोर्स, वो वेयर एंड टियर हो चुके हैं, जिसके वजह से ये हमने अंदर पूरा खोला है इसको रिप्लेस करने के लिए। सारा डैशबोर्ड ओपन हुआ है भैया, अभी कूलिंग कॉइल इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसके बाद ये जो सेगमेंट है पूरा ये इसमें लगेगा, इसके ऊपर डैशबोर्ड, और इसके ऊपर जो है डैशबोर्ड हो जाएगा। ऐसा आप देख सकते हो पूरा खुला था सिर्फ कूलिंग कॉइल इंस्टॉलेशन के लिए। सो गाइस, जो डैशबोर्ड का फ्रेम है वो लगने लग गया है कूलिंग कॉइल, क्योंकि रिप्लेस हो चुकी है, तो ये फ्रेम लग रहा है अभी, इसके ऊपर डैशबोर्ड लगेगा। और जब डैशबोर्ड यहाँ से बन जाएगा उसके बाद जो आगे का ये सब है कंडेंसर वगैरह जो लगे थे, इसको भी हम बाकी दोबारा कवर कर देंगे जैसे आई थी। सो गाइस, आप देख सकते हो आधा डैशबोर्ड जो है बन चुका है और आधा भैया बना रहे हैं अभी। और पहले कैसा था, पहले पूरा खुला हुआ था ये, अब धीरे धीरे बन रहा है, टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये। और ये लैंड रोवर रेंज रोवर जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं इनमें वैसी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, हर कोई कर नहीं पाता, इनके लिए मैकेनिक्स वगैरह भी अलग होते हैं, मैकेनिक वगैरह भी। तो गाइस, फाइनली जैसे आप देख सकते हो इसका जो डैशबोर्ड है पूरा कंप्लीट हो चुका है, और कूलिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्योंकि इसका मेन एसी का ही काम था, कंडेंसर और कूलिंग कॉइल वगैरह का जो मैंने आपको बताया था। तो एसी ओके हो गया है और ये पूरा बंद हो चुका है, जो आपने कल देखा था पूरा खुला हुआ था। अब ये बाहर का काम हो रहा है जो भैया कर रहे हैं, बाहर का क्लियर अप होते ही, असेंबल होते ही गाड़ी वॉश होगी और उसके बाद ही काम ख़त्म। भैया ने ये भी जोड़ी दी, आप देख सकते हो पहले पूरी खुली हुई थी, ये भी जुड़ चुकी है। भैया से कितना टाइम लगेगा? अच्छा, खा रहे हो? बोलो जुबा केसरी। भैया प्रोटीन खा रहे हैं तो अभी बता नहीं सकते थे। आज हो जाएगी ना, आज ये कंप्लीट हो जाएगी, साहब ने देख लिया। और देखो अभी कितना और टाइम लगता है, वैसे तो आज हो जानी चाहिए पर शायद टाइम लग सकता है। सो गाइस, आप देख सकते हो इसमें लाइट्स वगैरह सब इंस्टॉल हो चुकी है, एट लास्ट फाइनली काम हो गया। ये प्रोजेक्ट 4 दिन हो गए इस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते, और आज फाइनली हो गया। अब ये वॉश होगी, क्लीन होगी, ड्राई क्लीन होगी, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी भैया अंदर चेक कर रहे हैं एसी वगैरह साफ है कि नहीं। भैया ओके रिपोर्ट है ना? भैया भी कह रहे हैं ओके, एसी काफ़ी ज़्यादा कूल आ रहा है, सही है एकदम, एसी चिल्ड हो रखा है अंदर। और आप देख सकते हो ये पूरा खुला हुआ था बाहर का, अंदर का लाइट्स वगैरह इंस्टॉल सब हो गई है, अब आगे देखते हैं। सो गाइस, अभी हम टेस्ट ड्राइव में आ रखे हैं फ्रीलैंडर रेंज रोवर के, और इसका एसी वेंट तो ओके चल रहा है, लेकिन इसमें व्हील अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हील अलाइनमेंट चेक करने आया शायद कि ओके है या नहीं है। तो अभी इसी अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं और पता करेंगे। भैया पता क्या चलता है, आप चला रहे हो कि अलाइनमेंट में दिक्कत है इसके? बस इसमें बेसिकली क्या होता है कि अलाइनमेंट आउट है इस गाड़ी की, ये राइट की तरफ थोड़ा सा इसका जो स्टेयरिंग है वो हल्का हल्का जर्क कर रहा है। अगर आप देखोगे तो जो इस गाड़ी का स्टेयरिंग है हल्का सा ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रहा है अपने आप ही ब्रेक लगाने पे, तो ये इसमें अलाइनमेंट का थोड़ा सा कंसर्न है, ये अभी हमें चेक करना पड़ेगा। सो गाइस, टेस्ट ड्राइव करके हम आ गए हैं इसका, इसमें व्हील अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, वो ठीक करनी है। और गाइस, मेरे को पता चला इसके बारे में फैक्ट कि ये 3 लीटर का इंजन होने के बावजूद 12 का माइलेज देती है, जो कि क्रेटा भी शायद मुश्किल ही दे रही हो, क्रेटा का भी इतना ही है 12 से 15, तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा मुझे सुन के। सो गाइस, फाइनली इतने टाइम बाद और इतनी मेहनत के बाद इसका काम पूरा कंप्लीट हो गया है। जैसा आपने देखा है स्टार्टिंग में पूरी खुल गई थी बीच में अंदर से बाहर से, पर अभी पूरी असेंबल हो चुकी है, क्योंकि इसमें जितना भी एसी का काम था सारा वो हो गया। और जब एसी के बाद अपने हम देखी होगी वीडियोस में, जब हम उसमें लेके गए टेस्ट ड्राइव पे लेके गए इसको, तो इसमें थोड़ी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी हमने ठीक कर दी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, उनको दोबारा तिबारा ना बार बार इधर उधर करना पड़े, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसा आप देख सकते हो कूल एसी का तो मैंने आपको दिखाई दिया था, अब इसमें अभी वैसे तो ऑलमोस्ट काम फिनिश हो चुका है, मगर अंदर से देखो आप।
सो गाइस आप इंटीरियर से भी डैशबोर्ड दे सकते हो, ये पूरा खुल रखा था, इसमें कंप्रेसिंग कॉइल लगी थी जब, तो ये पूरा खोलना पड़ा था हमें, हमने इसको पूरा अच्छे से असेंबल कर दिया है। इसमें थोड़ी बहुत अलाइनमेंट की प्रॉब्लम भी आ रही थी, वो भी हमने ठीक कर दी, जिससे कि जिस जो ओनर है उसे कोई भी दिक्कत ना आए, दोबारा ना लाना पड़े, टाइम वेस्ट ना उनका, तो हमने उनको बता के पहले ही ठीक कर दिया उसको भी। सो गाइस लैंड रोवर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अभी लास्ट पॉलिश होगी और फिर इसकी डिलीवरी हो जाएगी। सो गाइस फाइनली रेडी हो गई है और इसके फाइनल शॉट्स हैं, जैसा आपने देखा था पहले कैसे हो रही थी, पूरी कोटिंग वगैरह, ड्राई क्लीनिंग वगैरह, पॉलिशिंग होने के बाद अब इसकी फाइनल सिचुएशन है।